ये ले बेटा मिठाई, खानी नहीं है, इसको अपने हाथ से किसी जानवर को डाल दे, पुण्य लगता है। ओके मम्मी। हे भगवान, मेरा मतलब था बाहर किसी जानवर को। अब मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, 13 × 7 कितने होते हैं? 89। 13 × 7 कितने होते हैं? 90। ये भगवान, इसको कुछ नहीं आता। 13 × 7 कितने होते हैं? 1 मिनट। 91। थर्टीन। अभी भैया कौन थे, भैया से पूछती हूँ। बेटा 13 × 7 कितने होते हैं? 91। बेटा हेलो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो? मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो? मैं बाहर जाता, सामान लाता और सामान ला के चाय बना के पीता, लेकिन मैं चाय जरूर पीता। नॉटलीज, क्या नाम बेटा? जुफ्रा। आओ जुफ्रा, देखते हैं तुम क्या कुछ इंग्लिश गाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। चलो भाई, 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा। माँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के किताब पढ़ रही हूँ। रुको बेटा, तुम चोर हो ना? बेटा अंदर वाली तिजोरी में गहने और पैसे सभी पड़े हैं, तुम जाकर ले लो। उस तिजोरी का पासवर्ड है 1 2 3 4। पर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक कहानी सुननी पड़ेगी। एक बार एक जंगल में दो शेर थे, एक का नाम सोनू था, एक का नाम मोनू था। एक दिन वो घूमने गए और सोनू घूम गया तो मोनू उसे पूरे जंगल में ढूंढने लगा और कहने लगा, सोनू सोनू सोनू। क्या हुआ माँ? सोनू बेटा, ये चोर चोरी करने आया है हमारे घर, इसे देख तो जरा। चल निकल, मुझे छोड़ो मत, मुझे मारो, मैं ही पागल हूँ जो इनकी बातों में आया। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5034 रुपए किस बात के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए? इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझे क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले ले ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा। अरे भैया कोई गाना तो बजाओ। ओए, कभी याद नहीं आती मेरी, क्या बेबसी। कौन है तू?
स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन हो बेटा आप? छोटा भाईजान आए, छोटा भाईजान। अरे तू छोटा भाईजान? अरे नाम क्या है तुम्हारा? क्या कोफ्ते? ओ अब्दू, बिग बॉस वाले। अच्छा ये बताइए, आप हमारी कंपनी को क्या दे सकते हैं? देखिए मैंने सुना है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो एक काम करिए ना, आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए और 50-50% पे हम काम करते हैं साथ में। यू आर अ चालाक ब्रो। अब वो तो बनना ही पड़ता है ना। और साथ में हम आपको लड़कियों के नंबर भी देंगे, फिर काम करने में आपको भी आएगा। बहुत मजा है, बहुत मजा। बिल्कुल सही। यू आर अ चालाक ब्रो। नाम क्या तुम्हारा? डिफाइन गली गैंग। अरे सिक्योरिटी, इसको कोरोना हो गया, बेचारे को बाहर ले आओ। नेक्स्ट। तो तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई है? तेको मालूम ना, शुरुआत किधर से होती है? इधर से। जूते क्या चोर बाजार से लिए थे? लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। या देखो वो आ गया। आइए मिस्टर एमसी स्टैन, तो हमें ही बताइए आप कहाँ रहते हैं? बस्ती का हस्ती। बस्ती? कौन सी बस्ती? डी टाउन बेबी। ओ डी टाउन में रहते हैं आप। हाँ। अच्छा ये बताइए आप सैलरी कितनी लेंगे? आने दो बेटी। बेटी? बाबा ऐसा क्या काम किया भाई तुमने? मैंने मम्मी में बचा एक बच्ची को। ओ बच्ची को बचाया है, पर हमारी कंपनी का इतना भी बजट नहीं है, तो हम आपको कम पैसे देंगे। सर गाली मत दीजिए, आप एक रैपर है, ये सब अच्छा नहीं लगता है आप पर। मैं रैपर नहीं, गैंगस्टर है। सर मैं ये कह रहा था कि आप मुझे गाली दीजिए ना। हाँ तो आपने अपने पिछले इंटरव्यू में क्या नाम बताया था? बस्ती का हस्ती। एग्जैक्टली, तो बस्ती की हस्ती, आज हम आपके पेमेंट के बारे में बात करेंगे। भाई आने दो पेटी। देखिए हस्ती, अभी हम आपको पेटी नहीं दे सकते, बिकॉज हमारी कंपनी का बजट अभी लो है। देखिए मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ऐसा करने का क्या फिर? नहीं मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ। ऐसा करने का क्या ब्रो फिर? अच्छे से गिर रहा तो अच्छे से गिनने दो, नहीं तो मैं भी रुकेगा फिर। ऐसा क्या छपरी चाली मैं भी कर सकता। बट गलत है ना? गलत है, गलत सही क्या? तू क्या बिग बॉस है क्या? सेमड़ा। तुम फिर से आ गए? मैं मालूम क्या किधर से आता? नहीं मालूम। ये शेमड़े को बता रहे अपन किधर से आ रहे हैं, किधर कुछ आ रहे। माइंड योर लैंग्वेज। मालूम ना कैसा फिर मारते। ओके सॉरी, बट तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम यहाँ पे हो? झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से। एक काम करो, मुझे कुछ खूबियाँ बताओ अपने अंदर की। शेमड़े पादरे हगरे मुदरे रे। ये कैसी खूबियाँ है? तेरे को समझेगा नहीं साउंड मेरा। बट मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तू थोड़ी बड़े कर रहे, बड़े के लिए पैसे दे रहा। पैसे है भी तुम्हारे पास? संडस बेचेगा ना मेरा, तेरी जिंदगी जाएंगी। शूज भी कुछ नहीं है ब्रा। लेकिन शूज तो तुम्हारे फटे हुए। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर। डॉक्टर साहब मेरे चोट लग गई। अच्छा चोट लगने के बाद तुमने कुछ लगाया था? हाँ। क्या? व्हाट्सएप पे स्टेटस। डबल मेरा यार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। बाबू दोस्तों तक जाओ बाबू, ऊपर वाला तुम्हारे भालो गुरु बाबू। अच्छा भाई তুমি জন্ম থেকে এরকম না তোমার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? আরে না না, প্রথমে তো আমি এরকম 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 করে বেড়াইতে পারতাম, কিন্তু যবে থেকে ভিক্ষা করা শুরু করেছি তবে থেকে আমি এরকম হয়ে গেছি। ওপরওয়ালা তোমার ভালো করুক বাবু। হ্যালো কোথায় রে? হ্যাঁ মুই তো বাড়ির দর যাই। হ্যাঁ তাকে যে খারা মুই আইতে আছি। তুই আইয়ে দাঁড়াই রয়েছে এই জায়গায়, বাড়ি গেলে কি হইতো? বাড়ি যাই কি করবো, তোর জন্য দাঁড়াই রয়েছে। বাড়ি বউ বাইক কিনছোস?
খরচ করি তোর বাপে টিকিট কিন্তু দিয়ে দিছি আগুন কই আগুনও লাগবে एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा तीन तेरा तीन मेरा 50-50 जब कामवाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं आप जाओ मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देख कर नहीं चल सकता सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है अब बाहर जा और पोछा सूखने के बाद ही अंदर आइयो और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है सर टारगेट मेरे सामने है बताइए किसको शूट करना है वो जो ब्लैक टी शर्ट में है उसे कुछ मत करना वो मेरा छोटा भाई सुबह ब्रश किया तो टूथपेस्ट में लौंग थी फिर चाय पी उसमें भी लौंग थी दोपहर में दाल खाई उसमें भी लौंग थी रात को बिरयानी खाई उसमें भी लौंग थी सोने से पहले पान खाया उसमें भी लौंग थी